हेलो स्टूडेंट्स, तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कोलोकेशंस के बारे में। कोलोकेशंस होते हैं जो वर्ड्स फ्रीक्वेंटली हम साथ में यूज़ करते हैं, टुगेदर यूज़ होते हैं। जैसे कि हमने देखा था वर्ब और नाउन जो साथ में यूज़ हो रहे हैं, जैसे मेक ए मिस्टेक, टेल ए जोक, वॉच टीवी, कैच ए ट्रेन, आस्क ए क्वेश्चन, ये थे वर्ब और नाउन के कोलोकेशन। अब है एडजेक्टिव और नाउन के कोलोकेशन। तो इसकी एग्जांपल क्या है, जैसे ए ग्रेट सक्सेस, ए नैरो एस्केप, हैवी ट्रैफिक, फ्रेश फ्रूट, ब्रॉड शोल्डर्स, ए सीरियस इलनेस, स्टीप हिल, ए सनी डे। तो ये सब क्या है, एडजेक्टिव प्लस नाउन के कोलोकेशंस, मतलब ये वर्ड्स हमेशा साथ में ही यूज़ किए जाते हैं। तो उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स विद द एडजेक्टिव्स गिवन इन द बॉक्स। तो मैंने आपको बताया था एडजेक्टिव क्या होता है, तो वो एडजेक्टिव्स हमें यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करने हैं। तो एडजेक्टिव्स आपको पता होगा कि एडजेक्टिव्स वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन को मॉडिफाई करते हैं, स्टेट बताते हैं हमें नाउन की क्या है। जैसे हैप्पी बॉय, तो हैप्पी क्या है यहाँ पे एडजेक्टिव, ये एक बॉय का जो नाउन है उसके बारे में बता रहा है, उसकी स्टेट बता रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है। या रेड हैट, हैट जो है वो नाउन है और रेड क्या है एडजेक्टिव, तो उसकी स्टेट बताता है। तो वैसे ही हमें यहाँ पे एडजेक्टिव्स फिल करने हैं। ऊपर ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको, 1, 2, 3, 4 ऑप्शंस हैं। तो ए पार्ट है आई यूज्ड टू बी ए डैश स्मोकर, यहाँ पे क्या आएगा आई यूज्ड टू बी ए हैवी स्मोकर, HEAVY हैवी स्मोकर। बी ही हैज़ ए डैश स्कॉटिश एक्सेंट, तो ही हैज़ ए गुड स्कॉटिश एक्सेंट, उसका एक्सेंट जो है वो स्कॉटिश है और अच्छा एक्सेंट है। स्कॉटिश मतलब स्कॉटलैंड में जो बोली जाती है लैंग्वेज वो एक्सेंट। शी वॉज़ लेट बट एट लीस्ट शी हैड ए डैश एक्सक्यूज, वो लेट थी लेकिन उसके पास एक्सक्यूज़ था। कैसा एक्सक्यूज़ था, स्ट्रॉन्ग और ब्रॉड एक्सक्यूज़ था। यहाँ पे क्या आएगा, स्ट्रॉन्ग और ब्रॉड। द प्लेन कुड नॉट टेक ऑफ बिकॉज ऑफ डैश क्लाउड्स, प्लेन जो है एरोप्लेन जो है वो उड़ नहीं पाया क्योंकि थिक क्लाउड्स थे, जो आसमान में क्लाउड्स थे वो थे थिक। तो क्लाउड्स यहाँ पे नाउन हो गया, थिक क्या हो गया एडजेक्टिव, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, उसकी स्टेट बता रहा है कि वो कैसा है। उसके बाद है प्रपोजिशंस, फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रपोजिशंस गिवन इन द बॉक्स। प्रपोजिशंस होते हैं वर्ड्स जो सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं, जैसे टू, एट, एन, फॉर, ऑन, इन। तो यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए हैं मैं आपको बॉक्स में, ये आपको फिल करना है। आई एम वरीड डैश जेन, शी इज़ यूजुअली होम बाय नाउ। आई एम वरीड अबाउट जेन, मैं जेन के लिए परेशान हूँ, वो अब तक घर आ चुकी होती है। आई एम वरीड अबाउट जेन, तो फिल क्या करना है अबाउट। सेकेंड है यू हैव टू अप्लाई डैश ए वीज़ा बिफोर यू गो, तो जब आपको दूसरी कंट्री में जाना होता है तो आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे सेंटेंस कैसे कंप्लीट होगा, किस वर्ड से होगा, यू हैव टू अप्लाई फॉर ए वीज़ा बिफोर यू गो। थर्ड, कैन यू डिस्क्राइब द मैन डैश मी, क्या आप मुझे उस आदमी के बारे में बता सकते हैं। कैन यू डिस्क्राइब द मैन टू मी, मुझे बताना है। फोर्थ, दैट गर्ल ओवर देयर कीप्स स्माइलिंग डैश मी, वो जो लड़की है वहाँ पे वो मुस्कुरा रही है मेरे पे। तो यहाँ पे क्या आएगा, द गर्ल ओवर देयर कीप्स स्माइलिंग एट मी, द गर्ल ओवर देयर कीप स्माइलिंग एट मी, वो मुझ पे मुस्कुरा रही है, मुझे देख के मुस्कुरा रही है। फिफ्थ, ही गोज़ टू स्कूल डैश फुट, वो स्कूल पैदल जाता है। कैसे, क्या वर्ड आएगा यहाँ पे, ही गोज़ टू स्कूल ऑन
फुट, ही गोज़ टू स्कूल ऑन फुट, यहाँ पर क्या प्रपोजिशन आएगा ऑन। तो एडजेक्टिव भी हो गया, प्रपोजिशन भी हो गया, कोलोकेशंस भी हो गया। तो इस चैप्टर, ये जो प्रोडिगल सन चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे नए चैप्टर। थैंक यू।